हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। यह सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस का न्यू वीडियो सीरीज रेट एनालिसिस ट्यूटोरियल्स है। रेट एनालिसिस ट्यूटोरियल्स में हमने प्रीवियस टू वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ रेट एनालिसिस और रेट एनालिसिस ऑफ कंक्रीट वर्क पार्ट वन हमने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट ऑफ M15 ग्रेड हमने किया था। सो इस वीडियो में हम डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में रेट एनालिसिस करेंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में नाउ इन सी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन क्यूबिक मीटर कंक्रीट ग्रेड M10, M15, M20, M25 सेम कंडीशन इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग एंड लेइंग एज पर प्रीवियस वीडियो एंड आल्सो दैट बेसिक रेट ऑफ मटेरियल हियर गिवन, सीमेंट 350 पर बैग्स, सैंड 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर एंड एग्रीगेट 1600 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। So, the previous video, we have seen that M15 grade of concrete हमने find किया था। So, इस video में guys, हम more details में नहीं जाएंगे, हम इस video में M10, M20, M25 में proportion and cost के बारे में, final cost के बारे में बात करेंगे। Before that, हम इस video में हम बात करेंगे, what is grade of concrete? Grade of concrete क्या है? What is grade of concrete? So friend, grade of concrete nothing but that is minimum strength of concrete होता है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट नथिंग बैड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 28 डेज। सो फ्रेंड, आफ्टर 28 डेज दैट मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जो होता है, आफ्टर 28 डेज दैट मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, आफ्टर 28 डेज जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट होता है वही ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है। So friend, what kind of strength this is? For concrete, that strength is compressive strength. Compressive strength. This is compressive strength. So guys, friend, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए, here M10 is given. So M10, okay. So what will be the compressive strength of M10 grade concrete? So M10 grade concrete का compressive strength कितना है? So M10 that is 10 newton per mm square. This is the compressive strength of M10 grade. Then what denote for M? M denote for that mixed design or mixed proportion. Mixed design you can say. For M10 that proportion will be 1:3:6. M stand for mixed design and 10 that number denote for that compressive strength of concrete. Same M10 for 25, M25, 25 newton per mm. For M15, 15 newton per mm square, that will be the compressive strength. So friend, हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में दूंगा। सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे फाइंड करना है M10, M20, M25 के बारे में, इसका हमें रेट एनालिसिस करना है। सो फ्रेंड, आई थिंक आप नोट डाउन कर ले, मैं इसे अब रफ करता हूँ। Grade of concrete, जिसका हमें रेट एनालिसिस करना है। मैं इस वीडियो में फ्रेंड फुल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको फाइनल कॉस्ट एंड प्रोपोर्शन बताऊंगा। M10, M15, M20 एंड M25,
M15 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, सो यू नो वेरी वेल। अगर जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देखें, सो आप कोई भी डाउट होगा फुल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड, हम थ्री कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है। नाउ दैट मिक्स प्रोपोर्शन या रेशियो यू कैन ऑल्सो देन रेशियो ऑफ एंड मिक्स प्रोपोर्शन ऑल्सो यू कैन टेल मिक्स प्रोपोर्शन। सो फ्रेंड नाउ कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर फाइंड करना था किसका, M10, M15, M20, M25। M15 का हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया है, सो नो नीड टू फाइंड, वी विल टेक फ्रॉम डेटा फ्रॉम देयर। M20, M25 का हमें कॉस्ट ये करना है। सो गाइस, आप प्रीवियस वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको आप इसका रेट एनालिसिस कर सकते हैं। सो M10, M15, M20, M25। सो फ्रेंड M10 इसका मिक्स प्रोपोर्शन होता है 1:3:6, दैट मींस 1 part ऑफ सीमेंट, 3 part ऑफ सैंड, 6 part ऑफ एग्रीगेट। M15 दैट मींस 1:2:2:2, ये तो आपने हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है। नाउ M20 1:1.5:3, 1 part ऑफ सीमेंट, 1.5 part ऑफ सैंड एंड 3 part ऑफ एग्रीगेट। नाउ M25 1:1:2, दैट मीन्स 1 part ऑफ सीमेंट, 1 part ऑफ सैंड एंड 2 part ऑफ एग्रीगेट। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेशियो में कौन सा किसका क्या पार्ट होता है। फर्स्ट हमेशा सी दैट मीन्स सीमेंट, एस देन आर, सॉरी CSA दैट सीमेंट सैंड एग्रीगेट। सो फ्रेंड, मैं M10 का फाइनल आउटपुट कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर जो हमें एनालिसिस करना है, मैं आपको फाइनल आउटपुट देता हूं, आप प्लीज प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड M10 दैट कॉस्ट विल बी 6120 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। इसमें जो है मैंने आपको प्रीवियस टू वीडियो में एक्सप्लेन किया है, दैट फर्स्ट वीडियो हमने एक्सप्लेन किया था रेट एनालिसिस में क्या क्या हमें चाहिए होता है, मतलब हम 5 और 6 मैंने स्टेप लिखाए थे। इसमें ऑल स्टेप्स हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर चार्ज, टूल्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉफिट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दिस इज द फाइनल आउटपुट। सो सेकेंड वन हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया 6895 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आप 3 रिमेनिंग ग्रेड के भी कॉम्प्लीट फाइंड कर सकते हैं। नाउ गाइस, M20 का कॉस्ट हमें 7438 दिया हुआ है, 7438 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर का कॉस्ट होता है। देन गाइस फाइनल 8572 कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन में हमें M10, M15, M20 का हमें रेट एनालिसिस करना था। सो गाइस M10 का 6120, M15 का 6895 एंड M20 का 7438 एंड M25 का 8572, ये फाइनल आउटपुट है, प्लीज आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट मैं उसका रिप्लाई देके आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सो फ्रेंड, आज के टॉपिक में इतना ही, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव अ नाइस डे।